Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start your exercise 1.4 of the chapter number 1, that is the number system for the class 9. Last kick. क्लासेस के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 तक को कंप्लीट किया. आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मैग्निफिकेशंस होता है नंबर्स का, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं उनका नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से मैग्निफिकेशन होता है वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे. तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं. विजुअलाइजिंग 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. क्या होता है देखो, 3.765 जो नंबर है 765, ये मेरे किसके बीच का नंबर है, 3 और 4 के बीच का नंबर है. तो हमने नंबर लाइन जो बनाई, ये बनाई नंबर लाइन, सबसे पहले नॉर्मली जो नंबर लाइन है वो बना दी. अब 3 और 4 कहां आ रहा है इसमें, ये यहां पर आ रहा है. अब 3 और 4 के बीच में हमने सबसे पहले इस नंबर, अगली जो नंबर मैग्निफिकेशन बनाएंगे, ये देखो मैग्निफिकेशन मतलब उसको और एक्सपांड करते जा रहे हैं हम. कोई भी मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन करना मतलब नंबर लाइन को और एक्सपांड करना, नंबर लाइन के अंदर और भी जो नंबर छुपे हैं उनको और एक्सपांड करना. जैसे 3 और 4 के बीच में हमारे सिर्फ इतना सा गैप है, लेकिन इस इतने से गैप में भी बहुत सारे नंबर होते हैं. देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4. 3 और 4 के बीच में भी इतने सारे नंबर होते हैं, लेकिन हमारा जो नंबर है 3.765 इस नंबर लाइन में किसके बीच में है, 3.7 और 3.8 के बीच का नंबर है. किसके बीच का, 3.8 के बीच का. तो 3.7 ये रहा, 3.8 ये रहा, तो अब इन दोनों का मैग्निफिकेशन बनेगा. तो 3.7 स्टार्टिंग में आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 3.8. अब 3.7 और 3.8 के बीच में और मैग्निफाई किया तो कौन कौन से नंबर होते हैं, 3.71, 3.72, 3.73, 3.73, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79. तो इस तरह से हमारा जो नंबर आ रहा है ये 3.765, ये आ रहा है 3.76 और 3.77 के बीच में. तो 3.76 हमारा ये रहा और 3.77 ये रहा. इसका फिर से मैग्निफिकेशन किया तो 3.76 और 3.77 के बीच में 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 4, 3.76, 5, 3.76, 6, 3.76, 7, 3.76, 8, 3.76, 9 और ये हमारा 3.77. तो हमें क्या शो करना है, 3.76, तो जो कि कहाँ आ रहा है ये रहा. तो ये हम इस तरह से पॉइंट के बाद जितनी डिजिट आ रही है हमारे उतनी ही नंबर लाइंस हमें बनानी पड़ेगी मैग्निफिकेशन के फॉर्म में. ये तो बनेगी स्टार्टिंग में, ये तो नंबर लाइन बनेगी बनेगी, ठीक है. तो इस तरह से हम शो करते हैं मैग्निफिकेशन का. एक क्वेश्चन और देखिए कि अगर जैसे 4.26 आ रहा है, 4.26 बार आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. अगर 4.26 तो वैसे तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, लेकिन हम इसको 4 डिजिट तक लें तो 4.2626 ये आ रहा है, 4.2626. तो वैसे ये नंबर किसके बीच का है, 4 और 5 के बीच का है. तो हमने सबसे पहले 4 और ये 5 बनाया. 4 और 5 के बीच में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 ये नंबर आ रहे हैं. लेकिन हमारा जो नंबर है 4.2626 वो किसके बीच का है, 4.2 और 4.3 के बीच का है. तो 4.2 ये रहा और 4.3 ये रहा, इनके बीच का है. तो हमने 4.2 और 4.3 में भी और मैग्निफिकेशन किया तो इसके बीच में आने वाले नंबर 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 27, 28, 29 इस तरह से. बट हमारा इसमें भी जो नंबर आ रहा है ये जो नंबर 4.26 और 4.27 के बीच का है. तो ये 4.26 और 4.27 के बीच में हमने और एक्सपांड किया, इसको मैग्निफाई किया तो हमारा 4.261, 4.262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 आ गया.
लेकिन हमारा यहां पर भी ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। तो देखो 262 जो है और ये रहा 263, इसके बीच में और मैग्नीफाई किया तो अब हमारी आगे वाली डिजिट्स में पॉइंट के बाद फोर डिजिट्स आ जाएगी और हमें फोर डेसिमल प्लेस तक ही शो करना है। ठीक है, तो देखो 4.261, 4.262, 2623, 2624, 2625, 2626, ये हमारा ये रहा नंबर। सुरंग होती है ना, सुरंग में रास्ता कब मिलता है, जब हम अंदर अंदर और घुसते जाएंगे तब जाके हमें आगे जो है नंबर मिलेगा। डेसिमल फोर डेसिमल तक प्लेस तक निकालने के लिए हमें फोर नंबर लाइंस बनानी पड़ेगी, 1, 2, ये थर्ड और ये फोर। और अगर हमें फाइव डेसिमल प्लेस तक निकालना पड़ता तो पांचवी डेसिमल नंबर लाइन भी बनानी पड़ती है। बात समझ में? तो पॉइंट के बाद जितनी डेसिमल प्लेस तक निकालना है उतनी नंबर लाइन बनानी है, और किस किस के बीच का आ रहा है वो अगला नंबर अगली लाइन नंबर लाइन के बीच में उतने नंबर और पुट करेंगे, फिर वो नंबर कौन कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये लिखा मैंने तो साइड में। तो इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन के थ्रू कोई भी जो डेसिमल एक्सपांसन नंबर्स होते हैं, डेसिमल की कितने डिजिट तक हमें पुट करना है, तो हम इस तरह से करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे और इन दोनों क्वेश्चन को हमने इस क्लास के अंदर कंप्लीट किया। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन एज जैक एंड जिल अकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड जैक एंड जिल अकेडमीज ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.